बुक तो होगी रहे तेरा में इतने भाई, दिल्ली के राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अगर हम कोठियों के पास में बैठ के आतंकवादी हो सके तो जंगलों में रहने वालों को माओवादी कहते हैं, इनको कहां डर लग रहा। और ये हुआ भी है कि किसी ने अगर यहां पे आवाज उठाई, किसी गांव वाले ने आवाज उठाई तो उसको माओवादी कहकर उसको मार दिया गया। इसीलिए तो ये जंगलों के आंदोलन को दबाते हैं। ये सब 30 वर्षों से जो ये आंदोलन से चल रहा है, इस ये आंदोलन सर कब सर जाकर से खत्म होगा, कब? ये लोग इकट्ठा है इसमें, इसको सरकार यहाँ जाएगी नहीं, बगैर समझौते के सरकार जाएगी नहीं। और अगर ये काम इनका 1, 2, 5, 6 गांव का होता तो सरकार कामयाब हो जाती, लेकिन जब यहाँ की जनता को ये पता चला कि 250 गांव इसमें जाएंगे तो ये किसी भी सूरत में यहाँ के लोग अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं, ये आंदोलन करेंगे। 13 महीने में सर आपको सर किसान आंदोलन से जीत किया, सरकार को सर बिल वापस लेना पड़ा, तो इस आंदोलन को आप सर ये लंबा चलेगा, ये तो चलता रहेगा। जो इसमें पहल करेगा वो इसमें हारेगा। ये आंदोलन लंबा चलना चाहिए, लंबा चलेगा। नहीं, जीत तो रहे हैं ये भैया, जीत रहे या हार कहाँ रहे, ये तो जीत रहे सर। इस आंदोलन में आपके आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा और मजबूती कैसे? देखो, अपना संगठन बनाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ, यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी की तरफ लेकर जाओ, यहाँ पे टूरिज्म आना चाहिए, अपने रोजगार करने चाहिए, तो जीत रहे आंदोलन। तो जब यहाँ लोग प्लान नहीं करेंगे यहाँ से तो आंदोलन तो जीत रहे हैं। लोग पलायन ना करें, अपने रोजगार यहीं तलाश करें, और सरकारों को चाहिए कि वो सपोर्ट करें, उसके लिए भी आंदोलन करें कि हमारी फसलों के दाम मिले। आंदोलन इस पर भी होना चाहिए, हमको बिजली ठीक मिले, हम फसलें कहाँ बेचें, यहाँ पर मंडियाँ हों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये आंदोलन भी शुरू होने चाहिए।